पोषण ट्रैकर ऐप में क्या बच्चे का आधार कार्ड नहीं बना है तो उसका वेरिफिकेशन किस प्रकार से करेंगे? आंगनबाड़ी सेविकाओं का क्वेश्चन आ रहा है, यानी कमेंट आ रहा है कि किसी बच्चे का आधार कार्ड नहीं बना है तो उसका वेरिफिकेशन किस प्रकार से करेंगे, वेरिफिकेशन होगा या नहीं होगा, इसके बारे में आप वीडियो बनाइए। तो मैं आप सभी को एक इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि जिस बच्चे का आधार कार्ड नहीं है तो उसका वेरिफिकेशन किस प्रकार से करेंगे या वेरिफिकेशन होगा या नहीं होगा, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। और भी आंगनबाड़ी सेविकाएँ हैं जिनका कमेंट आ रहा है कि किसी लाभार्थी में जो है कि एज उनका वहाँ पे नहीं दिखा रहा है, तो ये भी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए, ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं के लिए, क्योंकि ये समझना ज़रूरी है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत से ऐसी जानकारी है जो कि अभी नए नए अपडेट आ रहे हैं कि किस प्रकार से क्या क्या करना है। और जो लोग भी चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बेल नोटिफिकेशन दबाने के बाद ऑल का बटन सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी प्रकार से हर रोज़ नए नए वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो चलिए यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे जो दिखा रहा है बेनिफिशरी रजिस्ट्रेशन, पहले इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। और उसके बाद देखिए, पहले मैं आपको बता देता हूँ, जिन लोगों का उम्र नहीं दिखा रहा है अगर किसी बच्चे में या किसी लाभार्थी में, जैसे कि यहाँ पर सभी का उम्र दिखा रहा है लेकिन किसी किसी आंगनबाड़ी सेविकाओं के मोबाइल में बच्चों का उम्र नहीं दिखा रहा है, तो इसका कारण क्या है? जन्म की तारीख, तो आप लोग वहां पे जन्म की तारीख नहीं डाल के सीधे जन्म का साल डाल दिए होंगे, इसलिए उस लाभार्थी या उस बच्चे का वहां पे एज नहीं शो कर रहा है। तो देखिए, जिन लोगों का उम्र शो नहीं हो रहा है उनको क्या करना होगा, मैं आपको यहाँ पर केवल समझा रहा हूँ। वैसे तो इसमें सारे ऑप्शन में उम्र शो हो रहा है, लेकिन उसके लिए जैसे आप थ्री डॉट पे क्लिक करके प्रोफाइल अपडेट करेंगे तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिखा रहा है, यहाँ पे आप लोगों का ऑप्शन नहीं खुल रहा होगा। यहाँ पे जो अभी बच्चे का उम्र दिखा रहा है, मेरे मोबाइल में दिखा रहा है, इसलिए यहाँ पे खुल रहा है ये ऑप्शन कैलेंडर वाला, आप लोगों के मोबाइल में ऑप्शन नहीं खुल रहा होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ से बैक आ जाना है और बैक आने के बाद यहाँ पर जिस भी बच्चे का उम्र शो नहीं कर रहा है उस बच्चे पे यहाँ एरो वाले पे निशान पे क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद देखिए, यहाँ पे जो वेरीफाई वाला ऑप्शन दिखा रहा है इस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। तो जैसे आप लोग यहाँ पे बच्चे का आधार कार्ड डालेंगे और उसके बाद उस जन्म की तारीख को जब बच्चे का जन्म हुआ था वो सिलेक्ट कर लेंगे, ऑटोमेटिकली वहाँ से उस बच्चे का उम्र वहाँ पर दिखाने लगेगा। तो चलिए, अब मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि बच्चे का आधार कार्ड नहीं है तो किस प्रकार से उसको अपडेट करेंगे, यानी कि आधार अपडेट किस प्रकार से करेंगे। तो देखिए, इसी बच्चे में मैं एक बिना आधार का अपडेट करके दिखा रहा हूँ और आधार डालने के बाद अपडेट करके दिखा रहा हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे हमने आधार नहीं डाला है, लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्ट ये सबमिट कर दे रहे हैं तो बता रहा है कि रिकॉर्ड सफलतापूर्वक अपडेट हुई, यानी कि ये अपडेट बता रहा है कि हो चुका है, बट यहाँ पर अपडेट नहीं हो रहा है। देखिए, यहाँ पे प्रोसेसिंग कुछ भी नहीं दिखा रहा है कि अपडेट हुआ कि नहीं हुआ। तो इसके लिए आपको वेरीफाई नाउ पर फिर से क्लिक करना है और जो भी बच्चे का आधार कार्ड है यहाँ से आपको उस बच्चे का आधार कार्ड डाल देना है। प्लीज़ इंटर डिटेल्स एज पर आधार, यानी कि जो आधार है उसका डिटेल्स यहाँ पे मांग रहा है, तो उस बच्चे का आधार कार्ड होना ज़रूरी है, तभी आप लोग उसको अपडेट कीजिएगा। नहीं है तो उस बच्चे के माता पिता से बोलिए इस बच्चे का आधार कार्ड बनवा ले। वैसे तो बच्चे का 5 साल तक वो जो आधार कार्ड होता है वो 5 साल तक वैलिड रहता है। तो जो भी बच्चे हैं 0 से लेकर 5 साल तक जो भी बच्चे हैं उनका आधार बिना बायोमेट्रिक डाटा का बनता है, तो उनके माता पिता से कहिए कि जो भी आधार है वो आप लोग बनवा लीजिए। आप लोग बिना आधार के अपडेट कीजिएगा तो यहाँ से नहीं होगा। तो देखिए, मैं यहाँ पर इस बच्चे का आधार डाल दे रहा हूँ। तो देखिए, मैंने इस बच्चे का सही आधार डाल दिया है और जिस प्रकार से बच्चे का नाम आधार कार्ड पे है उस वैसा ही हमने डाल दिया है। और देखिए, यहाँ पे अगर आप लोग का जो उम्र शो नहीं हो रहा है, आधार कार्ड डालने के बाद यहाँ से आप लोग उस बच्चे का उम्र सही से डाल दीजिएगा तो वहाँ पे जो उम्र है वो सही दिखाने लगेगा। तो चलिए, सारा चीज़ सही डालने के बाद यहाँ पर अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको सबमिट कर दे रहे हैं। तो देखिए, हम लोग यहाँ पे जैसे ही सबमिट करेंगे तो उस बच्चे का
वेरिफिकेशन इन प्रोग्रेस दिखाएगा, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इस बच्चे का जो आधार अपडेट है वो यहाँ पे इन प्रोग्रेस दिखा रहा है, यानी कि कुछ देर के बाद यहाँ से उस बच्चे का आधार अपडेट हो जाएगा। तो इसी प्रकार से और जिनका यहाँ पे एज नहीं शो हो रहा है वो एज भी यहाँ पे शो होने लगेगा। आधार डालने के बाद वो उस बच्चे का जो जन्म तिथि है उसको आप लोग डाल दीजिएगा, तो यहाँ पे जो एज नहीं दिखा रहा है वो भी यहाँ पे शो होने लगेगा। तो इसी प्रकार से जो भी बच्चे हैं, चाहे वो 0 से 6 मंथ के बच्चे हो या कि कोई भी बच्चा हो, उसका आधार अपडेट करना ज़रूरी है। और जो आधार नहीं बनाए हैं लोग, उन लोगों से कहिए कि वो लोग आधार बनवा लें, क्योंकि बिना आधार का इसमें कुछ भी अपडेट होने वाला नहीं है। तो उम्मीद है कि आप सभी को इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। और इसी प्रकार से आप लोग कमेंट करते रहिए, मैं उस कमेंट का वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का कोशिश करता रहूँगा। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।